आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का 91 वर्ष की आयु में भोपाल में निधन हो गया। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक सीएम पद पर रहे। वे जनसंघ के समय से संगठन को मध्य प्रदेश में मजबूत करने के लिए काम करते रहे। 1955 में कैलाश जोशी पहली बार हाट पिपलिया नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद 1962 से निरंतर देवास जिले के बागली से विधायक रहे। 1951 में वे भारतीय जनसंघ की स्थापना के सदस्य भी रहे। इमरजेंसी के दौरान करीब एक महीने तक कैलाश जोशी भूमिगत रहे। इस दौरान 28 जुलाई 1975 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 19 महीने तक नजरबंद रखा गया। सीएम बनने के बाद 1978 में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे भोपाल से सांसद भी रहे और मध्य प्रदेश के मुद्दों को उन्होंने संसद में उठाया। कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रहे। कैलाश जोशी के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है और तमाम राजनेताओं ने जोशी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज एक युग का अंत हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। एक राजनीतिक पुरोधा, राजनीति के संत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निष्कलंक और बेदाग जिया, माननीय जोशी जी ऐसे व्यक्ति थे जिन पर कभी कोई छींटा काजल की कोठरी से जो बेदाग निकल के आए, राजनीति में रहकर भी उन्हें राजनीति के संत की उपाधि रही। वो मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, अनेक पदों को उन्होंने सुशोभित किया। मध्य प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ी, गरीब की बात की, कमजोर की बात की। आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। मन बहुत द्रवित है, आहत है। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश जोशी के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने वाले निर्धन और कमजोर वर्ग की आवाज, विनम्र व मृदुभाषी राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कैलाश जोशी के अवसान के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम कैलाश जोशी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करता हूं। ईश्वर शोकाकुल परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। आज मन पीड़ा से भरा हुआ है। जिनके चरणों में पूरे प्रदेश की श्रद्धा थी, थोड़ा सा आईडी नीचे करना, तुम्हारी भी आईडी नीचे करो। और जो संत राजनीतिक कहे जाते हैं, संत थे। जोशी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होता है। आज वो सिद्धे श्रीमान कैलाश जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे। श्रद्धेय जोशी जी का पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा करते हुए बीता। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति क्षितिज के वास्तविक रूप से ईमानदार मूल्यों के पोषक, आदर्शवादी चरित्र, सादगी के प्रतीक राजनेता व संत प्रवृत्ति की प्रतिमूर्ति पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का असामयिक निधन एक युग का अंत है। विनम्र नमन, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कैलाश जोशी जी का जाना हम सबके लिए व्यक्तिगत क्षति है। वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में और राजनीति में शुचिता को स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया। कैलाश जोशी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में निश्चित रूप से अविस्मरणीय कार्य किया। उन्होंने लंबे समय तक विधानसभा में रहकर मध्य प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। वो भोपाल से सांसद भी रहे
और उसके साथ साथ वो मुख्यमंत्री भी रहे। निश्चित रूप से उनका जाना केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षति नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया कि उसने मामले की तुरंत सुनवाई की। कोर्ट के रुख से फडणवीस सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए फिलहाल समय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सभी पक्षों यानी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल को फडणवीस की तरफ से मिले लेटर ऑफ सपोर्ट और उनका आदेश मांगा है। शीर्ष कोर्ट ने फिलहाल फौरी तौर पर बहुमत परीक्षण पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह राज्यपाल का आदेश और फडणवीस की तरफ से दिए गए समर्थन पत्र की कॉपी कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट का शनिवार को आए आदेश पर गौर करें तो साफ होता है कि इससे देवेंद्र फडणवीस सरकार को मोहलत मिल गई है और उसे आंकड़ा जुटाने का मौका मिल गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट फौरन फ्लोर टेस्ट का आदेश देता तो फडणवीस सरकार को हर कदम तुरंत में उठाना पड़ता, अब वह इस कवायद से बच गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के रुख से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस को भी राहत मिली है। तभी तो कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के नेता अशोक चव्हाण ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं कि उन्होंने रविवार को पिटीशन सुना। तीनों राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके पिटीशन को और अदालत ने सरकार को, मुख्यमंत्री और सबको नोटिस देते हुए यह आदेश दिया है कि कल तक जो लेटर ऑफ सपोर्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने गवर्नर महाराष्ट्र को दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने उन्हें सरकार बनाने को निमंत्रण दिया है, उसे अदालत के सामने कल 10:30 पेश किया जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने कहा, चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना ने जो दावे किए वे गलत हैं। प्रदेश प्रभारी होने के नाते मैं ये कह सकती हूं कि मेरे सामने कभी ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीति की। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सरोज पांडे ने कहा कि ये जनादेश का सम्मान है। जब चुनाव में गए तो शिवसेना के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया। लोकतंत्र में ये आवश्यक था कि वहाँ सरकार बने और द्रुत गति से काम करें। भाजपा ने वहाँ सरकार बनाई है और अजीत पवार वहाँ उप मुख्यमंत्री बने हैं और जल्द ही हम सदन में बहुमत सिद्ध करेंगे। हम जब चुनाव में जा रहे थे तो गठबंधन में हम जिनके साथ में गए उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया। लोकतंत्र में ये आवश्यक था कि सरकार बने और सरकार वहाँ पर द्रुत गति से कार्य करे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई है, हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री एनसीपी से बने हैं और हम सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की इस बार शुरुआत एनसीसी से की और एनसीसी का हिस्सा रहे बच्चों से बात की। पीएम ने कहा, सबसे पहले तो एनसीसी के सभी पूर्व और मौजूद कैडेट को एनसीसी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी ही तरह कैडेट रहा हूं और मन से आज भी अपने आप को कैडेट मानता हूं। आमतौर पर हमारी युवा पीढ़ी को फ्रेंडशिप डे बराबर याद रहता है, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको एनसीसी डे भी उतना ही याद रहता है। उन्होंने कहा, 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस डे मनाया जाता है। ये वो दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को याद तो करते हैं। आइए इस अवसर पर हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिकों का स्मरण करें। पीएम ने कहा, देश में शांति, एकता और सद्भावना के मूल्य सर्वोपरि हैं। राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया, पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी देशवासियों को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे
मनाया जाता है। ये वो दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को याद तो करते ही हैं, लेकिन योगदान भी करते हैं। सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलती नहीं है, सहभाग भी जरूरी होता है। और 7 दिसंबर को हर नागरिक को आगे आना चाहिए, हर एक के पास उस दिन आर्म फोर्सेस का फ्लैग होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए। आइए इस अवसर पर हम अपनी आर्म फोर्सेस के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिकों का स्मरण करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम भी सिर्फ अपने आसपास के इलाके के प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने का संकल्प कर लें तो फिर प्लास्टिक मुक्त भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर सकता है। पीएम मोदी का इस खास रेडियो प्रोग्राम का यह 59वां संस्करण था। महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी सरकार बनाए जाने पर कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, परिस्थितियां सर्वविदित हैं, जनादेश बीजेपी और शिवसेना को मिला था, कांग्रेस ने जनादेश का सम्मान किया, तीनों पार्टियां सरकार बनाने पर बात कर रही थी, लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी में सत्ता की हवस कूट कूट कर भरी है, सत्ता की हवस ने लोकतंत्र को कलंकित किया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने फिर बता दिया कि हम सत्ता के सत्ता की हवस हमारे में कूट कूट के भरी है भारतीय जनता पार्टी, और जो सत्ता की हवस है उसने फिर एक बार लोकतंत्र को कलंकित किया है। नर्मदा नदी के किनारे हो रहे अवैध रेत के उत्खनन को लेकर नदी न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। अवैध रेत खनन रोकने, नर्मदा की सफाई, पौधे लगाने के उद्देश्य से कंप्यूटर बाबा ने बड़ी संख्या में साधुओं के साथ बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा तटीय क्षेत्र पर अपना डेरा डाल दिया है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि रेत माफियाओं को लगता है अब भी शिवराज की सरकार है और रेत उत्खनन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रेत उत्खनन बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज की सरकार में ही हुआ है। यह कमलनाथ की सरकार है, नर्मदा को बचाने साधु संतों को कार्य सौंपा गया है, यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत आ रहे हैं, हमने आमा डिमावर बड़गांव क्षेत्र को चुना है, वहीं संतों के साथ रहेंगे, पूजन और भजन करेंगे, साधु संत नर्मदा की सफाई भी करेंगे, पेड़ न कटने का संदेश देंगे और किसी भी सूरत में नर्मदा से अवैध खनन नहीं होने देंगे। अम्बा है, एक डिमावर है और उसके पास में और भी है जो बड़गांव है, वहाँ हम लोगों ने सैकड़ों संतों के साथ में, हजारों संतों के साथ वहीं रहेंगे, वहीं भजन करेंगे, पूजन करेंगे और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। साधु संत पेड़ भी लगाएंगे, पौधा भी लगाएंगे और वहाँ स्वच्छ सफाई भी, नर्मदा की हम लोग सफाई भी करेंगे, और तीसरा जो पेड़ कटते हैं उसका संदेश देंगे कि पेड़ ना कटे। कंप्यूटर बाबा ने रेत माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि यह शिवराज की नहीं कमलनाथ की सरकार है, भरोसा छोड़ दें, 15 साल खूब आनंद लिया, अब बाबा लोग अवैध खनन नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह को शर्मानी चाहिए, 15 साल में इन्होंने मां नर्मदा का सीना छन्नी किया, यह धीरे धीरे खत्म होगा, अब हम नर्मदा किनारे अनिश्चित काल तक बैठेंगे। हनी ट्रैप मामले में रोज हो रहे खुलासों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, जो लोग इस तरह के मामलों में फंसे हुए हैं समाज के अंदर मध्य प्रदेश के वातावरण को दूषित करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यदि कोई सबूत सामने आ रहा है तो प्रशासन और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जिनकी कॉलर सफेद थी अब काली हो रही है, ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रदेश का खूब शोषण किया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, उन लोगों की हनी ट्रैप में संलिप्तता है, ऐसे लोगों का खुलासा करने वाले व्यक्ति और संस्था का धन्यवाद। कई लोगों के है इस तरह के हनी ट्रैप में जो लोग इन्वॉल्व थे, मैंने बार बार कहा कि समाज में एक ऐसा जहर घोलने का काम उन सरमायादार लोगों ने किया जिनकी कॉलर सफ़ेद थी लेकिन काली हो गई, कई ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस प्रदेश का खूब शोषण किया, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, वो लोग इस कांड के अंदर उनकी संलिप्तता है, और उस व्यक्ति को धन्यवाद, उस संस्था को धन्यवाद जिसने इस बात का खुलासा दम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वन मित्र योजना के तहत टैबलेट खरीदने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लखनादौन जनपद पंचायत की 108 ग्राम पंचायतों में वन अधिकार
पट्टा के लिए टैबलेट खरीदी के लिए शासन के द्वारा प्रत्येक पंचायत को 15,000 की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें पंचायत सचिव खुले बाजार में जाकर इन टैबलेट की खरीदी करने के लिए स्वतंत्र था। परंतु कमीशन के खेल में भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र एवं सफेदपोशों की मिलीभगत से पंचायतों में होने वाले टैबलेट खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। जानकारी के अनुसार घनसौर, धनोरा एवं लखनादौन में संयुक्त रूप से जबलपुर के एक दुकानदार ने घर बैठे माल उपलब्ध करा दिया। बताया जाता है कि लेनोवो कंपनी के जिस टैबलेट की खरीदी बल्क में की गई है उसकी बाजारी कीमत 11,665 है, जबकि पंचायतों में जो बिल लगाया गया है वह 14,999 का है, मगर इस हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है तो 10,00,000 से ज्यादा का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, जब उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि आप अपने मन से जो जो भी पंचायतों में आपको अपने हिसाब से दुकानदारों से जहां से लेना है आप क्रय कर लें, तो उसके लिए फ्री हैंड कर रखा है। मैं पत्र भी जारी किया है कि आप हमको क्रय करके और उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दें, ये बात कही गई है। हमारी ओर से कहीं किसी को कोई बाध्य नहीं किया गया है और न किसी को ये कहा गया है कि किससे आपको परचेस करना है। मार्केट में जो भी दुकानें हैं, इतनी दुकानें हैं, जहां से आपको पसंद हो अपने स्तर से आप ले सकते हैं। 2 अक्टूबर को लागू की गई इस योजना के बाद लगातार अफसरशाही एवं सफेदपोश लोगों ने कमीशन का खेल रचा था। जिले की 5 जनपद पंचायतों की 338 ग्राम पंचायतों में टैबलेट वितरित कर दिया गया है और अब पंचायत सचिवों को फोन पर इन व्यापारियों के द्वारा भुगतान किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अधिकांश सचिवों ने यह बताया कि अनावश्यक रूप से यह टैबलेट हमें दे दिया गया है, जबकि हम खुले बाजार में खरीदी करते तो शासन का लगभग 3,000 रूपए हर पंचायत के खाते में सुरक्षित होता। अब देखना यह है कि भ्रष्ट अफसरशाही सचिव पर दबाव बनाकर इन बिलों का भुगतान करा लेते हैं या सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी। इस बारे में कुछ पंचायत सचिवों ने शासन को चिट्ठी लिखकर इस सब से अवगत कराया है। फूलबगड़ी थाना के मड़ोपारा के जंगल में नक्सलियों के जमावड़े की सूचना फोर्स को मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सर्चिंग पार्टी ने जंगल को घेरना शुरू किया। पुलिस जवानों को अपनी ओर आता देख नक्सलियों ने जंगल के अंदर से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों की फायरिंग में एक नक्सली ढेर हो गया। मारा गया नक्सली प्लाटून का सदस्य था। उसके पास से पिस्टल और एक मोटोरोला वायरलेस सेट बरामद किया गया है। ये नक्सली वर्दी पहने हुए था। मुठभेड़ के बाद जंगल में जवानों का सर्चिंग अभियान चल रहा है। बगड़ी इलाके और गांधीरास इलाके में सर्चिंग के लिए निकली थी, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में वहाँ नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिल रही थी। बगड़ी इलाके से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और कल दिन भर सर्चिंग करने के बाद आज वापस जब पार्टियां लौट रही थी तो सुबह लगभग 7 बजे के आसपास नक्सलियों की एक टीम से DRG की टीम की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक मेल नक्सल डेड बॉडी वहां से बरामद की गई, साथ में एक पिस्टल, कंट्रीमेड पिस्टल और मोटोरोला का जो वायरलेस कम्युनिकेशन सेट होता है वो भी मौके से बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि नक्सली अभी भी मड़ोपारा के जंगल में छिपे हुए हैं। फोर्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि नक्सलियों को वहां से खदेड़ा जा सके। बस्तर में तेजी के साथ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान की वजह से यहां नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। नक्सल संगठन की कमर टूट रही है और कई नक्सली कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस घटना के बाद सुकमा SP के समक्ष 2 महिला नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। राजधानी भोपाल में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। संत हिरदाराम नगर में 2 अज्ञात चोरों ने वन ट्री हिल्स स्थित सदाबहार भवन के एक मकान के बाहर से गाड़ी का ताला तोड़कर नई बाइक पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है 1 महीने पहले ये बाइक खरीदी गई थी जिसका अभी नंबर भी नहीं आया था। पुलिस की लापरवाही के चलते चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की घटना घर के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। यहाँ पे सुबह अपना दिन दहाड़े वैसे हम निकला सुबह को घर से बाहर तो देखा गाड़ी नहीं थी। अब हम लोगों ने फिर सुबह सुबह कैमरे चेक करवाए, पड़ोसी के कैमरे चेक करवाए तो उसमें कैमरों में देखा कि दिन दहाड़े सुबह सुबह गाड़ी चोरी करके ले गए लड़के, लॉक तोड़ दिया। 2 लड़के दिखा रहे हैं स्प्लेंडर गाड़ी पे आए थे, उनकी भी नहीं गाड़ी थी, उस पे नंबर प्लेट नहीं था। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच देवेंद्र फडणवीस बहुत शांत नजर आए। फडणवीस इस दौरान मां बगलामुखी पीताम्बरा माई की सेवा में लगे रहे। महाराष्ट्र की उलझी हुई राजनीति के बीच कल अचानक मध्य प्रदेश के नलखेड़ा से पंडितों को मुंबई बुलाया गया। उसके बाद
देर रात देवेंद्र फडणवीस के निवास पर मां बगलामुखी का अनुष्ठान शुरू किया गया। पीताम्बरा माई के अनुष्ठान के साथ ज्यो ज्यो हवन की समिधा अग्निमान हो रही थी, वैसे वैसे देवेंद्र फडणवीस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस के निवास पर हुए अनुष्ठान के बाद मां बगलामुखी की आरती हुई। देवेंद्र फडणवीस के मित्र और परिवार की मां बगलामुखी में असीम आस्था है। यही वजह है कि परेशानी के इस दौर में फडणवीस ने एक परेशान करने वाली रात को मां का अनुष्ठान किया और उसके बाद सुबह एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फडणवीस के करीबी लोग बताते हैं इस अनुष्ठान और मां की कृपा ही है कि वे विषम परिस्थिति में भी शांत रहते हैं और मां की कृपा से वे बहुमत साबित करने में भी सफल होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।